नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मारी बिस्किट से हेल्दी चोको पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने वीटा मारी लिया है। ये देखिए, चार बिस्किट लिए हैं। जो आपको बच्चों को पसंद है वो आप बिस्किट ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये मिक्स फ्रूट जैम लिया है। और हमें लेना है पीनट बटर। यहाँ पे हमें बिस्किट के ऊपर ये मिक्स फ्रूट जैम स्प्रेड करके लेना है। अच्छे से हम इसको स्प्रेड करके लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये दूसरा वाला बिस्किट और उसके ऊपर हम लगाएंगे ये पीनट बटर। इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब इसके हम ऊपर हम और एक मारी बिस्किट रखेंगे और मिक्स फ्रूट जैम को हम अच्छे से स्प्रेड करके लेंगे। यहाँ पे आपको जो जैम पसंद है वो आप ले सकते हो। अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो इसके जगह पे आप न्यूटेला भी यूज़ कर सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर हम दूसरा बिस्किट रख के ऐसे इसको कवर करके लेंगे। अब इसे हमें फ्रिज में रखना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, चोको पाई हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम मेल्टेड चॉकलेट कंपाउंड में डालेंगे। चॉकलेट को कैसे मेल्ट करते हैं इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे पेज पे डाला हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर देखिएगा। अब इसे हम अच्छे से चॉकलेट से कोट करके लेंगे और इसे हम ऐसे बटर पेपर पे रख देंगे। ये देखिए, एकदम लग रहा है ना चोको पाए। और उसके ऊपर हम डालेंगे ऐसे स्प्रिंकलर्स। मुझे पता है रियल चोको पाए पे स्प्रिंकलर्स नहीं रहते हैं, पर आप आपके बच्चों को ऐसे कलरफुल चोको पाए दे के खुश कर सकते हो। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चोको पाए आपको कट करके दिखाया है, कितनी अच्छे से इसकी लेयरिंग आई है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मारी चोको पाए बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।